हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा वेलकम करती हूँ अपने चैनल गार्डनिंग वर्ल्ड में। और आज मैं अपनी छोटी सी शॉपिंग दिखाऊंगी आपको, और छोटी की शॉपिंग के साथ साथ थोड़ा सा मैं पिटूनिया के प्लांट लेके आई हूँ उसकी रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगी फ्रेंड। तो सबसे पहला प्लांट देखिए मेरा, ये है चाइनीज़ लैंटर्न। बहुत सुंदर प्लांट है, मैं बहुत दिनों से इसका वेट कर रही थी। मैंने नर्सरी वालों को बोला था कि मुझे ये वाला प्लांट ला के देने के लिए। मेरे हाथ थोड़े गंदे होंगे फ्रेंड, तो इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने अभी मिट्टी मिला रही थी तो मैं थोड़े से इसको धो नहीं पाई। और देखिए कितना प्यारा प्लांट है, और फ्लावर इसके देखिए वो कितने सुंदर हैं। तो मैंने ऑर्डर पर मंगवाया है, बहुत ही अच्छा, ये मुझे 60 रुपीज़ का पड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है। तो फ्रेंड देखिए, ये है पिटूनिया जीनस। बहुत इसके बहुत सारे कलर भी आते हैं, लेकिन मुझे ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लगा, ग्रीन में वाइट वाइट है, देखिए कितना सुंदर। और ये इंडोर प्लांट है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा। जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो बताऊँगी किस तरह के सोयल में इसको रिपोर्ट किया जाता है और किस तरीके से इसको रखना चाहिए जगह, वो भी बताऊँगी। तो फिलहाल अभी मेरी शॉपिंग देख लीजिए, छोटी सी शॉपिंग। उसके बाद मैंने लिया है टेरोनिया का प्लांट, देखिए एक ये पर्पल कलर है, पिंक पर्पल बोलते हैं इसे, ये डार्क पर्पल बोलते हैं। और ये देखिए ये वाला मेरा एक लाइट कलर है। तीन कलर मैंने टोरेनिया प्लांट लिया है, पिछले साल भी मैं लेके आई थी अपने विंटर फ्लावर, लेकिन मेरे पास टिके नहीं फ्रेंड, वो ख़राब हो गए थे। और फिर मैंने तीन कलर कॉस्मोस का लिया है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने छोटी सी शॉपिंग करी है। देखिए ये भी मेरे तीन कलर के हैं। और साथ ही मैंने लिया गजानिया का प्लांट, देखिए ये सीडलिंग उन्होंने मुझे दिया है, और ये है वाइट पिटूनिया। तो इसको ये इन दोनों को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगी फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, ये है मेरी मिट्टी जो कि मैं गजानिया और पिटूनिया वाइट पिटूनिया को रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो ये मेरी पुरानी मिट्टी है, इसमें राइस हस्क मिला हुआ है, रेत मिला हुआ है, कोकोपीट मिला हुआ है। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, फंजीसाइड पाउडर, थोड़ा सा मैंने ट्राइकोडर्मा का पाउडर डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के करीब DAP डाला है, नीम खली। और सारी मिट्टी को मैं मिला लेती हूँ फ्रेंड। अब मिलाने के बाद मैं ये 6 इंची का पॉट में, देखिए ये 6 इंची का पॉट में ही लगाने वाली हूँ पिटूनिया को। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मिट्टी मिला करके। तो फ्रेंड देखिए, मैं मिट्टी मिला ली हूँ, और मिट्टी मिलाने के बाद फिर देखिए कितनी मेरी भुरभुरी मिट्टी है, आपको दिख रही होगी बहुत ही अच्छे से। और ये मेरा पॉट है, मैं 6 इंची का पॉट ली हूँ, इसी में लगाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा साइज़ है इसके लिए। और इसके होल कवर कर लिए हैं देखिए फोम से, वो जो कपड़े में फोम आता है ना, वो उसी से मैंने कवर किया है, बहुत ही अच्छा ड्रेन आउट, इससे पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं मिट्टी देखिए इसमें डाल लूँगी। और थोड़ा सा मैं जगह छोड़ूंगी इसीलिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी खाद वाद डालने का जब समय आए तो फिर उसके लिए जगह थोड़ा सा छोड़ना चाहिए फ्रेंड। और देखिए छोटा छोटा सीडलिंग है मेरा, तो इसके साथ सबसे पहले मैं पानी डाल देती हूँ इसमें, और तभी मैं इसमें सीडलिंग लगाऊंगी। देखिए अंदर की पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी, तब मैं सीडलिंग इसमें अच्छे से, देखिए छोटा सा मेरा, देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कितना छोटा छोटा सीडलिंग मैं लेकर के आई हूँ, बहुत छोटा छोटा बेबी प्लांट है, और पता नहीं ये टिक पाएंगे कि नहीं। देखिए कितना छोटा छोटा प्लांट आपको दिख रहा होगा फ्रेंड। और इसी को मैं ऐसे ही होल कवर करूँगी और बस ऐसे ही लगा दूँगी, देखिए, ताकि इसमें पानी मुझे देने का ज़रूरत नहीं पड़े, ऊपर से प्लांट को नुकसान पहुँचेगा। और इसी तरीके से मैं देखिए इस तरीके से लगा दूँगी फ्रेंड। दूसरा है देखिए, दूसरे में भी मैं मिट्टी इसी तरह डाल दूंगी। और सारे प्लांट को मेरे 10 प्लांट में लेकर के आई हूँ पिटूनिया का, वाइट पिटूनिया है। बहुत सारे कलर मिल रहे थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं था, बहुत अंधेरा हो गया था, मैं नहीं लेके आ पाई, क्योंकि उनके यहाँ स्टाफ नहीं था, वो नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए मैं जो मिला मैं लेके आ गई, फिर जाऊँगी, फिर लेकर के आ जाऊँगी फ्रेंड। बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, तो चलिए इस तरीके से डैब डैब कर दूँगी, ताकि होल सारे अंदर के जितने भी हैं सब अच्छे से मिट्टी सेट हो जाए। और देखिए मैं सभी में इस तरीके से पानी पहले डाल दूंगी, देखिए कितने अच्छे से मिट्टी मेरी कितनी वेल्डन बनी है, जो कि पानी तुरंत देखिए अंदर सोख कर ले रहा है, देखिए। और थोड़ी सी मिट्टी मैं और डालूंगी, बहुत कम हो गया है, थोड़ी सी, देखिए फ्रेंड। और इसी तरीके से सारा प्लांट, देखिए रूट्स भी इसके बहुत ही अच्छे हैं, और इसी तरीके से रूट्स को मैं अंदर थोड़ा सा दबाते हुए इस तरीके से।
और सभी में इसी तरह के से प्लांट में लगा लूँगी फ्रेंड। और लगाने के बाद फिर अभी सेडी एरिया में रखूँगी, थोड़े प्लांट बड़े हो जाएंगे फिर मैं इसको अच्छे जगह पे जहाँ रखना होगा मैं वहाँ रख दूँगी फ्रेंड। लेकिन अभी मैं इसको सेडी एरिया में रख दूँगी। और चलिए मैं लगा लेती हूँ सारे प्लांट को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं सारे रिपोर्टिंग मैंने प्लांट को बेबी प्लांट को लगा ली हूँ वाइट पिटूनिया, और इतने सारे पॉट में ये आ गए हैं। और थोड़ा सा मैंने गजानिया भी कर लिया, थोड़ा सा मिट्टी रह गया है फ्रेंड। अब जो प्लांट बचे हैं मैं उसको मिट्टी मिला करके बाद में लगा लूँगी। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी मेरी रिपोर्टिंग और छोटी सी शॉपिंग तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड। तो आज के लिए थैंक यू, ओके बाय फ्रेंड।